साइंस है, यूनिवर्सल लॉज है। लेकिन जब हम ह्यूमन बीइंग के लॉज की बात करते हैं तो आदमी एक नेचुरल एंटिटी है कि नहीं है? मानव एक नेचुरल एंटिटी है कि नहीं है? जैसे लोहा है ना, हम ये जब नियम पढ़ाते हैं फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि वहां पर हमें सही गलत का मुद्दा नहीं आता है क्योंकि वो यूनिवर्सल है, मानव में क्यों ये फेल हो जा रहा है? तो मानव भी एक नेचुरल एंटिटी है, मानव भी कुछ नेचर के नियम से ही काम करता है, उन नियमों को हम अभी ठीक से समझ नहीं पाए। तो इस पूरे वर्कशॉप में हम ये बात करते हैं कि मानव के भी कुछ नेचुरल लॉज हैं, मानव के सुखपूर्वक जीने के कुछ नेचुरल नियम हैं जिनको उतने ही ऑब्जेक्टिवली पहचाना जा सकता है जितना ऑब्जेक्टिवली हम साइंस के नियमों को पहचानते हैं। एक नियम की आपके लिए, ग्लिम्स के लिए एक दो नियम की बात करते हैं। तो जैसे मैंने पूछा पहले कि हम कुछ भी करते हैं तो क्यों करते हैं, तो लोगों ने कहा हम फैमिली के लिए करते हैं। एक उदाहरण आया, हम फैमिली के लिए क्यों करना चाहते हैं कोई भी चीज, क्यों करना चाहते हैं? हमें उनसे मिला है तो हम जब उनको, जो हमें मिला है हम उनको कुछ लौटाना चाहते हैं, ऐसा क्यों करना चाहते हैं? मिला है तो छोड़ दीजिए, उनका काम था उन्होंने दिया, फिर हम क्यों करना चाहते हैं? मैं क्या कर रहा हूं, एक बहुत स्टैंडर्ड एनालिसिस है जिसको बोलते हैं 5 why एनालिसिस। रूट तक किसी चीज के तह तक जाने में, रूट तक जाने के लिए यदि हम 3 या 4 या ऐसा बोलते हैं कि 5 बार वाई लगाएं कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, तो हम उसके रूट में जा सकते हैं, माने वो ओरिजिन कहां से हो रहा है। तो आपने कहा कि हमें कुछ मिला है पेरेंट्स से इसलिए हम देना चाहते हैं, बट हम ऐसा दे करके हमें कैसा लगता है, क्यों देना चाहते हैं? तो रूट में यदि कहीं देखेंगे तो पहला सिद्धांत ये है, पहला प्रपोजल ये है कि मानव जो कुछ भी करता है सिर्फ और सिर्फ अपने सुखी होने के लिए करता है। उसका ड्राइविंग फोर्स क्या है? वो सुखी होना चाहता है। उसी सुखी होने के फिर सेट्स हैं, सेटिस्फेक्शन, कंटेंटमेंट है ना, ये उसके सेट्स हैं। सुख चाहता है, शांति चाहता है, संतोष चाहता है, आनंद चाहता है, बिला बिला बिला। बट इसको अभी पहचानिए, क्या आप सभी ऐसा देख पाते हैं कि आप जो कुछ भी करते हैं सुबह से शाम तक सिर्फ और सिर्फ सुखी होने के लिए करते हैं? इसको अपने में देखिए, सबसे अच्छी बात साइंस की क्या है, जैसे साइंस का जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है, किसका नियम है? न्यूटन का। कितने लोगों को लगता है न्यूटन का नियम है गुरुत्वाकर्षण का नियम? किसका नियम है? नहीं है, न्यूटन का नहीं है, न्यूटन का ही है ना, तो अब हाथ तो नहीं खड़ा कर रहे। कितने लोगों को लगता है न्यूटन का नियम है? गुरुत्वाकर्षण का नियम किसका है? कितने लोगों को लगता है न्यूटन का है? तो न्यूटन का नियम है कि एग्जिस्टेंस का नियम है? फिर हम न्यूटन का नियम क्यों कहते हैं? He is the first person, known first person on the planet, है ना, जिसने उस नियम को व्याख्यायित किया, हमारे सामने लेके आए। भाई ऐसा तो नहीं था कि न्यूटन के पहले हम पेन रखते थे तो वो ऊपर चला जाता था, पेन तो नीचे आता था, पक्का है ना? तो नियम किसी व्यक्ति के नहीं होते हैं, नियम तो एग्जिस्टेंस के होते हैं, प्रकृति के होते हैं, नेचर के होते हैं, उसको कोई व्यक्ति पहचानता है। अच्छा, नियम पता लगने से फायदा क्या हो गया? देखो मैडम तो कह रही कोई फायदा नहीं हुआ, कितने फिर काय के लिए पढ़ा रहे हैं? नियम को जानने से फायदा क्या है मानव जाति का? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम बच्चों को कुछ पढ़ा रहे हैं है ना, कुछ समझा रहे हैं, यदि हमें लगता है समझने से कुछ फायदा नहीं होता है तो पहले बहुत एक नियम को पहचानने की कोशिश करते हैं कि ग्रेविटेशन का लॉ जो न्यूटन ने बताया उसके पता लगने से मानव जाति को कुछ फायदा हुआ नहीं हुआ? कितने लोगों को लगता है कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि पेन तो पहले भी नीचे गिरता था है ना, ऐसा तो नहीं वो एप्पल पहले भी नीचे ही गिरता था ना पेड़ से, ऊपर तो जाता नहीं था। कितने लोगों को लगता है कि फायदा हुआ? अरे 2 लोग 3 लोग 4, बस बताइए, चलिए क्या फायदा हुआ, माइक दीजिए, क्या फायदा हुआ मानव जाति? नहीं तो क्यों नियम पढ़ा रहे हैं, फायदा क्या हुआ? हेलो,
गुरुत्वाकर्षण के नियम से हमें स्पेस पे जाने का जो टेक्निक मिला है वो उसी वजह से मिला है। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। देखिए ये बात बिल्कुल ठीक है कि पेन पहले भी गिरता था, बिल्डिंग हम पहले भी बनाते थे। मैं जिस घर में रहता था जिसका मैंने एग्जाम्पल दिया 80s में, इतनी मोटी दीवार हुआ करती उसकी चूने की, है ना, तो पहले भी। लेकिन हम उस नियम, जब तक हम गुरुत्वाकर्षण के नियम को नहीं पहचानते थे कि कितनी चीज का कितना वजन है, क्या ये संभव था कि हम 40 माले की बिल्डिंग बना पाए, 10 माले की बिल्डिंग? नहीं संभव था। लेकिन 2 माले की बिल्डिंग अभी भी हम कारीगर, हम अभी सिविल इंजीनियर को नहीं रखते हैं, वो कारीगर बना देता है, वो संभव है। लेकिन आप 20 मंजिल की बिल्डिंग ऐसे बनवाइए, उसका पूरा आर्किटेक्चर आपको डिजाइन करना। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात सर ने कही कि हम स्पेस शटल भेज पाए, क्योंकि हमें अब पता है कि यदि ये धरती है और हमें इधर कोई एक सैटेलाइट भेजना है जो यहां पर इस ऐसे राउंड लगाएगा, तो एक कितनी दूर भेजना है उस गुरुत्वाकर्षण के नियम से पूरा हम कैलकुलेट कर पाते हैं, और फिर इसको हम कितने फोर्स से भेजेंगे कि ये यहां जाके सेटल हो जाए। और अच्छा, उससे क्या फायदा हो गया, सैटेलाइट भेज दिया तो क्या बड़ी बात है? और जो डे टू डे में हम यूज कर रहे हैं कौन सी टेक्नोलॉजी, पूरा मोबाइल फोन। तो देखिए, छोटे से फिजिकल लॉ को जानने से, इसीलिए लोग बोलते हैं कि विद्या सा विमुक्ते, ज्ञान वो चीज है जो मानव को मुक्त करता है, स्वतंत्र करता है, है ना, इसलिए ज्ञान की इंपॉर्टेंस है। तो नियमों को जानने से, तो जब हम यदि हम कुछ नियम जो हम आज एक या दो की अपन बात करेंगे, तो जो चैतन्य जगत के नियम है, जो मानव के नियम है, जो जिससे मानव ऑपरेट होता है, क्योंकि मानव भी फाइनली एक नेचुरल एंटिटी है, मानव का इस धरती पर प्रकटन होना एक नेचुरल एंटिटी है, नेचुरल डायमेंशन है, तो उसके नियम को पकड़ेंगे तो हम जिस तरह से भौतिक जगत के संसार को हमने सजा दिया पिछले 30-40 सालों में, है ना, जैसे हमारे माता पिता ने जितने अच्छे मकान बनाए थे उससे ज़्यादा अच्छे मकान हमने बनाए नहीं बनाए, उससे ज़्यादा अच्छी कारें हमने बनाई नहीं बनाई, उससे ज़्यादा अच्छे कपड़े हमने बनाए कि नहीं बनाए, उससे ज़्यादा अच्छे मोबाइल हमने बनाए कि नहीं बनाए। इसका मतलब क्या हुआ कि जिन चीज़ों में हमारी पकड़ बनी उसमें, या हमारे अपने बच्चे, अब आप देखिए इन सब में हमसे अच्छा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जिन चीज़ों में हमारी स्पष्टता हो गई उसमें आने वाली पीढ़ी, है ना, नेक्स्ट जनरेशन हमसे बेहतर कर पाई, या पिछली जनरेशन से या उनके जो बड़ी लोगों से बेहतर कर पाई। लेकिन संबंध के जगत में क्या हम बेहतर कर पा रहे हैं, कि हमारी जनरेशन उससे अच्छा कर पा रही है, इसका क्या मतलब हुआ? क्योंकि हमने संबंध के जगत के नियमों को पहचाना नहीं है। यदि हम पहचान लेंगे उसमें भी अच्छा कर पाएंगे, इस बात के आधार पर इस पूरे कोर्स की डिजाइन की बात।